कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी। अब ये न्यूमेरिकल किसका है? एनर्जी का। और हमने एनर्जी का या वर्क डन का एक फॉर्मूला किया था, हाफ इंटू फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। तो कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ गिवन। तो आपको एल गिवन है, ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, मैं राइट साइड से कन्वर्ट किया हुआ है। कंप्रेस्ड बाय अ लोड ऑफ, लोड मतलब फोर्स, 5 केजी वेट को 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन आ गया। एफ पता है, एरिया पता है, एल पता है और वाई भी पता है। क्या निकालना है इसमें? आपको इसमें एनर्जी निकालनी है। मेरे को एनर्जी का एक ही फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इस क्वेश्चन में एफ तो पता है, एफ तो पता है, मेरे को क्या नहीं पता? डेल्टा एल नहीं पता। और मेरे को डेल्टा एल निकालने का एक ही फॉर्मूला था आज के लेक्चर में, और है वाई। यंग मॉडल्स को याद कर लो, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल निकाल लो, उस डेल्टा एल को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपको क्वेश्चन में एफ पता है, आपको क्वेश्चन में लेंथ पता है, वाई पता है और एरिया भी पता है, अब आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल बस ये शो कर रहा है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है वो यंग मॉडल्स के फॉर्मूले से आपको मिलने वाली है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। बट डेल्टा एल कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा, जैसे स्टील वायर ऑफ 4 मीटर, तो एल तो आपको पता ही है, इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm। क्या गिवन है ये? डेल्टा एल। स्ट्रेच थ्रू का मतलब डेल्टा एल। आपको स्टील वायर की लेंथ पता है, आपको डेल्टा एल पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी पता है, यंग्स मॉडुलस भी पता है। क्या निकालनी है? एनर्जी डेंसिटी। याद रखना, एनर्जी का सिंबल बड़ा यू होता है, एनर्जी डेंसिटी छोटा यू होती है। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? एनर्जी बाय वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला आज हमने किया था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब अगर तुम वैल्यूज को देखो, क्या क्या पता है तुम्हें? तुम्हें इस क्वेश्चन में लेंथ पता है और डेल्टा एल पता है, स्ट्रेन तो पता ही है तुम्हें, डेल्टा एल बाय एल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये आपके पास डेल्टा एल पता है, ये आपके पास एल पता है, तो स्ट्रेन तो आप निकाल ही सकते हैं, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल बाय एल। आधा आंसर तो आ गया। अब क्या रह गया? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। क्या आपको फोर्स पता है? नहीं, फोर्स नहीं पता। एरिया पता है? एरिया पता है। अब मैं फंस गया, पर मुझे स्ट्रेस तो निकालना ही है, क्या करूं? यंग्स मॉडुलस, और कोई तरीका ही नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब मेरे को इस क्वेश्चन में देखो, वाई पता है, डेल्टा एल और एल पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल लूंगा? स्ट्रेस। फिर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से मैं वर्क डन की वैल्यू निकाल लूंगा। मतलब कि आप पहला फॉर्मूला तो आपको पता लग ही जाएगा, जो मिसिंग वैल्यू है वो यंग मॉडल आपको देगा, सिंपल है। हालांकि मैंने इसको ऐसा नहीं किया, मैंने इसको ऐसा किया है, मैंने आपको फॉर्मूला ये करवाया था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और एक मॉडिफाइड फॉर्मूला करवाया था हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। क्वेश्चन में वाई पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है आंसर। पर मेरे को लगता है ये फॉर्मूले की जगह वो बेटर है, मिसिंग वैल्यू को यंग मॉडल से ढूंढ के पुट करना ज्यादा बेटर है, तो फिर नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन के अंदर एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी वैल्यू पुट करके जूल पर मीटर क्यूब में, क्योंकि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होते हैं इसके यूनिट्स। सेकेंड पार्ट है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर। अब दो तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। पहला तरीका क्या है? सिंपल, आप कुछ ना करो, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल कर दो, खत्म। तुम्हें फोर्स नहीं गिवन, कोई बात नहीं, तुम यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगाओ, वहां से फोर्स निकाल लो, उस फोर्स को यहां पुट कर दो, डेल्टा एल आपको पता है आंसर। और छोटा करना है तो ऐसा करो, आपको एनर्जी निकालनी है, आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिर्फ एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने ए पार्ट से निकाल ली है, और वॉल्यूम वायर का क्या है? एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया पता है, लेंथ पता है, आंसर तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें यह क्लिक करता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पार्ट में आया हुआ है, तुम वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल दो। तुम्हें नहीं क्लिक करता, कम से कम ये तो करता ही है। तो तुम्हें डेल्टा एल क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें फोर्स नहीं गिवन, कोई बात नहीं, तुम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ही लगा लेना,
यहां से f निकाल लेना, फिर f को पुट कर लेना और फिर आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? हाफ इंटू एफ। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्या फॉर्मूला लगने वाले हैं इस पे? जैसे अ वायर कैन बी ब्रोकन, बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 केजी वेट। ठीक है, एक वायर को तोड़ा जा सकता है अगर मैं इतनी फोर्स लगाऊं। कह रहे हैं फिर बताओ कितनी फोर्स चाहिए ताकि वायर को तोड़ा जा सके जो कि ट्वाइस द डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर उसका सेकेंड वायर का ट्वाइस है। अब देखो एक चीज याद रखना, वायर चाहे मोटी हो चाहे पतली हो चाहे कैसी भी हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहता है तोड़ने का। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया की वैल्यू सेम रहती है। जब ये तोड़ने फोड़ने वाला क्वेश्चन हो जाए, तोड़ना है और एरिया डबल हो गया, तो बस एक ही चीज याद रखना, फोर्स बाय एरिया सेम करना है। पहले केस में फोर्स F1 है, एरिया पाई आर स्क्वायर है या A1 है, F2 है तो A2 है। तुमने एरिया को चेंज करना है, वो कह रहा है ट्वाइस द डायमीटर करना है, तो एरिया चेंज हो गया तो F2 निकालना है। F2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये बताओ अगर पहले एरिया A1 है, डायमीटर ट्वाइस का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। डायमीटर या रेडियस ट्वाइस होने से पाई आर स्क्वायर से एरिया 4 टाइम्स हो गया। 4 से 4 ये एरिया से एरिया कैंसिल, तो फोर्स कितनी है? 4 टाइम्स लगा दो, आंसर आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन इस कैटेगरी के आएंगे इसमें आपको यंग्स मॉडुलस नहीं चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्या कर देना है? सेम। फोर्स और एरिया का गेम है और कोई गेम नहीं है इसमें। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है कि जब रास्ते में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोचना है इसमें? अ केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W, एक केबल है, एक वायर है और वो W वेट सपोर्ट कर सकती है, इज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में तोड़ दिया, काट दिया। अब जो छोटा पार्ट है या जो पार्ट्स हैं वो कितने वेट को सपोर्ट कर सकते हैं? सेम। भाई ये भी कभी हुआ है कि 10 मीटर की वायर तो 15 केजी उठा लेगी, और वैसे वायर कमजोर है, तुमने लेंथ को ना बहुत बड़ा कर दिया, अब वो बड़े बड़े वेट को उठा लेगी। ये थोड़ा ना बात में रबर बैंड को तुम 500 मीटर लंबा कर दोगे, वो किसी भी ट्रक को भी उठा लेगी रबर बैंड, ये थोड़ा ना होगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर किसी छोटी वायर ने W वेट उठाना है तो बड़ी वायर ने भी W वेट उठा लेना, बात ही खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती वायर को काटने से, तो स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है, तो W वेट ही उठाएगी। कई बार ये मेंस और नीट में तो बहुत ही ज्यादा देखा गया इस टाइप की प्रॉब्लम। मैंने मेंस में PYQ में कम से कम 2 बार तो ये देखी, आपके अपने बुक में दिख जाएंगी। क्या नीट में भी आई हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये आएगी, आपके पास एक सपोज एक वायर है। हमने जो वायर्स पूरे चैप्टर में आज स्टडी की वो ना सिमेट्रिकल वायर्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेफ्ट का और राइट का एग्जैक्टली सेम है। तो आपने नोट किया होगा मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट करता हूँ, मैं कौन सा देखता हूँ कि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, वो तो सेम ही होता है। पर ये ऐसा नहीं, टेपर्ड वायर है, यहाँ से एक का रेडियस R1 है, यहाँ जाते जाते रेडियस ही बढ़ गया, R2 हो गया। अब एरिया बढ़ गया, तुमने दोनों तरफ से एफ फोर्स लगा दी, L इसकी लेंथ थी ओरिजिनल, बताओ डेल्टा L कितना है? यंग मॉडल क्वेश्चन में गिवन है। अब प्रॉब्लम ये है, बाकी सब कुछ ठीक है, यंग मॉडल का फॉर्मूला भी लगा दिया, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L बाय L, और मुझे क्वेश्चन में डेल्टा L निकालना है। प्रॉब्लम ये है मैं एरिया क्या पुट करूं? फोर्स मेरे को पता है F है, लेंथ मुझे गिवन है L है, एरिया में कंफ्यूजन हो रही है, पाई R1 स्क्वायर पुट करूं कि पाई R2 स्क्वायर पुट करूं, क्योंकि एरिया तो क्रॉस सेक्शन का होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया इधर का कम है इधर का ज्यादा है। तो कायदे से ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, वैसे बता दूं, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, तो आपको करनी तो इंटीग्रेशन पड़ती है। तो आपको PYQ में दिख भी जाएगी इंटीग्रेशन करते हुए, और कई PYQ में शॉर्टकट भी है, तो हमें शॉर्टकट करवा रहा हूं, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन का बहुत सही रिजल्ट है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एरिया √A1 A2 पुट करना है, इधर का एरिया पाई R1 स्क्वायर है, इधर का एरिया पाई R2 स्क्वायर है, तो ये एरिया आएगा पाई R1 R2।
तो तुम क्या करोगे, फोर्स लेंथ पाई आर वन आर टू डेल्टा एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल आंसर निकाल लेना, ऑप्शन मार्क कर लेना। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आया है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आया है, कैसा भी आएगा इसका एंड रिजल्ट यही रहने वाला है, पक्की बात है। तो रूट ए वन ए टू का हाईलाइट कर लो, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो क्या करना है, सिंपल है ठीक। अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज हमें ना इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट का आर्बिट्ररी रेडियस आर लेना पड़ेगा, ताकि एरिया पाई आर स्क्वायर एक्स डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा, और उसका पहले स्मॉल यंग्स मॉडुलस उस पोर्शन पे लगेगा, फिर स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ डेल टी एल आएगी, डी एल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी एल डी एल डी एल डी एल तो डेल्टा एल आएगा, मतलब ऐसा कुछ करना है, पढ़ा है मेरे पर लिखा हुआ है मैंने, नहीं तो पी वाई क्यू के सोल्यूशन में आपको दिख ही जाएगा, वो सब किया हुआ है उसने, पर एंड रिजल्ट मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं होता इसमें, यही करना होता है, फिर भी देख लेना ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम याद है, नहीं वो होने नहीं वाला, बस वो घुमा रहे हैं एक पत्थर को घुमा रहे हैं कॉनिकल पेंडुलम की तरह। कॉनिकल पेंडुलम में याद है वो टेंशन टी होती थी रस्सी में, फिर ये थीटा थीटा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा एम जी, सेम कॉन्सेप्ट है। तो कॉनिकल पेंडुलम में तुमने किया हुआ है वो चाहिए नहीं है, पता ही है टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है, वो कह रहा है कि ये जो पत्थर है स्मॉल मास वो छोटे आर रेडियस में घूम रहा है, गिवन है स्मॉल रेडियस में घूम रहा है, ये जो वायर है ना वायर जिसके साथ ये पत्थर अटैच्ड है इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस कैपिटल आर है, जो दिख नहीं रहा क्योंकि वायर पतली है, पर एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन तो वायर पे है, कॉनिकल पेंडुलम पे थोड़ी ना, हमारे इस वायर का क्रॉस सेक्शन रेडियस कैपिटल आर गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि वायर में जब पत्थर घूमेगा तो डेल्टा एल कितना होगा, वायर का वायर ना लंबी हो जाएगी, डेल्टा एल कितना ही क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी आ गया। यंग्स का फॉर्मूला लगा लेना, डेल्टा एल आपको निकालना है, बस फोर्स की जगह क्या पुट कर लेना, टेंशन टी, क्योंकि वायर में क्या लग रही है टेंशन टी वही उसकी फोर्स है, और एरिया तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला था क्रॉस सेक्शन रेडियस कितना है कैपिटल आर, और टी की वैल्यू जो एम जी बाई कॉस थीटा पुट करके ऑब्जेक्टिव आएगा मार्क कर लेना। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मतलब ये कॉनिकल पेंडुलम से तो टेंशन निकलेगी, बाकी कॉन्सेप्ट तो यंग मॉडल से ही सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है, इस वायर की लंबाई 2L है, नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज, कॉम्पिटिशन के ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको, वायर की लंबाई 2L है, 2L है, आपने इस वायर को यहां से खींच दिया डी डिस्टेंस नीचे सेंटर से, तो वायर ऐसी वी शेप हो गई, देख रहे हो ऐसी हो गई। अब पहले ओरिजिनल लेंथ वायर की कितनी थी 2L, अब क्या हुआ डी खींच दिया तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो नई लेंथ कितनी हो गई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नई लेंथ आ गई। इंक्रीज इन लेंथ कितनी हुई, नई में से पुरानी लेंथ को माइनस करके आंसर आ गया, तो मैंने डेल्टा एल निकाल लिया यहां से। इस क्वेश्चन में मेंशनड है डी बहुत छोटा है एल से, जब ये चीजें गिवन होती हैं तो दो ही बातें होती हैं क्वेश्चन में, या तो कुछ निगलेक्ट होने वाला है या बाइनोमियल लगने वाली है, तो दो ही बातें होती हैं इसमें। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टेंशन टी कितनी है। अब ये वायर इलास्टिक है तभी तो ये टूटी नहीं, तभी तो नीचे की तरफ आ गई, यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है, तो तुम्हें कुछ ना आता है, तुम्हें वाई लगाना तो आता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, और फोर्स की जगह वायर की टेंशन टी हो गई, और हमने भी क्या निकालनी है टेंशन, टेंशन एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, डेल्टा एल की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी डेल्टा एल। अब प्रॉब्लम यह है कि टेंशन तो आ गई पर तुम्हें ना ये ऑप्शन दिखेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, थोड़ी इजी ऑप्शन दिखेगी, तुम्हें काम करना इस अंडर रूट को हाफ लिख लेना, इस टू को बाहर ले आना, इसमें से कैपिटल एल स्क्वायर को बाहर निकाल लो कॉमन, तो कैपिटल एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा एल, ये वन हो जाएगा, ये डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से एल को बाहर निकाल लो तो ये क्या होगा, और यहां पर बाइनोमियल लगा लो क्योंकि डी बहुत छोटा है एल बड़ा है, तो हाफ को इससे मल्टीप्लाई करके वन प्लस हाफ टी स्क्वायर एल स्क्वायर, एल बाहर आएगा तो ये वन हो गया, वन से वन कैंसल, तो ये आंसर आ गया, मार्क कर लेना जो मार्क करना है, और एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट कर लेना एंड में। चलो वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपकी शीट में आने वाला आज जो होमवर्क दूंगा उसके अंदर आएगा, आप इस क्वेश्चन को रेफर करना अगर ये क्वेश्चन को देखना पड़ा, कैलकुलेशन खुद करना, मैंने ट्रिक बता दिया कि स्टार्ट कहां से करना है और क्या सोच के इस क्वेश्चन को करना है, तो मतलब ओरिजिनल लेंथ 2L लेके सॉल्व करना है।
यहाँ तक क्लियर है? मैंने यहां से एल स्क्वायर कॉमन निकाला, एल स्क्वायर का अंडर रूट एल आ गया, ये वन हो गया, डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, बाइनोमियल लगा दो, हाफ से मल्टीप्लाई, एल एल बाहर आ गया तो ये तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, बाइनोमियल लग चुकी है ये, तो ये कम बचेगी, वन से वन कैंसिल आंसर आ गया, ऐसे किया।